नमस्कार मैं हूं शशि आया झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं महाराष्ट्र में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया है बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अठाईस मार्च ऐसी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए थे कि अगर कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो उन्हें बड़ा फैसला लेना होगा सरकारी सूत्रों की माने तो कोरोना के मामलों में अगर नाइट कर्फ्यू के बाद भी कमी नहीं आती तो राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाउन का भी फैसला ले सकती है फिलहाल नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र में राज्य में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है मौसम विभाग के अनुसार होली के दौरान 28 और 29 मार्च को रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है इससे शहर के अधिकतम या न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है मौसम विभाग के द्वारा जारी अगले पंद्रह दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि एक अप्रैल तक राज्य में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है होली को लेकर गाइडलाइन जारी कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पर्व त्यौहार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर होली सरहुल सब ए बरात नवरात्रि रामनवमी समेत अन्य पर्व त्यौहार में लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी है वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है बता दें इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है आदेश में कहा गया है कि पर्व त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने एवं हर तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है झारखंड में फिर से लग सकता है लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में भारी कड़ाई झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने शुक्रवार को कई कड़े फैसले लिए हैं बता दें सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में अगले आदेश तक तमाम जुलूस पर रोक लगा दी है राज्य सरकार ने त्यौहार को देखते हुए ताज़ा दिशा निर्देश जारी किया है बता दें कंटेनमेंट जोन के बाहर आने सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी वहीं पूर्व में जिन गतिविधियों को चलने के लिए अनुमति दी गई थी वह कंटेनमेंट जोन के बाहर चलती रहेगी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मधुपुर उपचुनाव के दौरान राजनीतिक भीड़भाड़ के लिए वही दिशा निर्देश जारी किया गया है जो गत वर्ष बेरमो व दुमका उपचुनाव के वक्त जारी किया गया था चार अप्रैल से पैंतालीस साल तक के सभी को लगेगा वैक्सीन झारखंड में भी 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण 4 अप्रैल से शुरू होगा बता दें केंद्र के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है इस संबंध में सभी जिलों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं बता दें अभी तक हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स पैंतालीस से उनसठ वर्ष आयु वर्ग के बीमारों तथा 60 से अधिक आयु के बुजुर्गों का ही टीकाकरण हो रहा था पथलगाड़ी मुकदमे वापस मुख्यमंत्री छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पथलगाड़ी को लेकर राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है अब इससे संबंधित संकल्प प्रारूप अगली कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा बता दें पथलगाड़ी को लेकर राज्य के विभिन्न थानों में तेईस प्राथमिकियां दर्ज है पांच हजार रूपया बेरोजगारी भत्ता सिर्फ तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को मिलेगा युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है बता दें मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन भत्ता या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थानों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है बता दें श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया है इसके तहत सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सरकारी आईटीआई टी आई पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा सड़क निर्माण कार्यो में तेजी लाए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं की समीक्षा हुई मुख्यमंत्री के समक्ष सचिव पथ निर्माण विभाग सुनील कुमार ने राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में प्रस्तुति दी बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्ण परियोजनाओं निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा डी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई होमगार्ड जवानों ने मांगों को लेकर किया छह घंटे तक सड़क जाम झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलनरत होमगार्ड जवानों ने शुक्रवार को रांची में जगन्नाथपुर फुदांग मुख्य सड़क को जाम कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया बता दें होमगार्ड जवानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे होमगार्ड जवान धारणा स्थल पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आक्रोशित होकर पुनदांग रोड को लगभग छह घंटे तक जाम कर दिए थे झारखंड में 308 नए केस मिले हैं जो रांची से एक बोकारो 15 चतरा नौ देवघर तेरह धनबाद तेरह दुमका चार पूर्वी सिंहभूम 20 गढ़वा एक गिरिडीह चार गोड्डा चार गुमला सात हजारीबाग एक जामताड़ा एक कोडरमा तीन लातेहार तीन लोहरदगा एक पाकुड़ दस रामगढ़ तीन साहिबगंज तेरह सराय केला तीन पश्चिमी सिंहभूम से एक मरीज मिले हैं बता दें झारखंड में तीन की मौत हुई है जो रांची गुमला बोकारो से एक एक हैं झारखंड में कुल मौत की संख्या 1103 एक हजार एक सौ तीन है वहीं एक्टिव केस की संख्या एक हजार तीन सौ निन्यानवे है भारत में बासठ हजार दो सौ छिहत्तर नए मरीज मिले हैं भारत में कुल मौत की संख्या एक लाख इकसठ हजार दो सौ पचहत्तर है रांची के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश रांची के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं इस बाबत उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अविलंब कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है बता दें अवैध निर्माण की स्थिति में अंचलाधिकारी इसके लिए जवाबदेही होंगे लेवी वसूल ले आए दो पीएलएफआई नक्सली गिरफ्तार झारखंड की रांची पुलिस को शुक्रवार को तीन क्रिमिनल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है बता दें पहली सफलता लेवी वसूल ने रांची आ रहे दो पीएलएफआई नक्सली को गिरफ्तार करने में मिली है वहीं दूसरी सफलता हथियार के बल पर स्कॉर्पियो गाड़ी लूटकांड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार करने में मिली है बता दें गिरफ्तार नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के निर्देश पर लेवी वसूलले रांची आ रहा था इस बीच और मांझी में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है गर्मी में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए रांची जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबरों पर करे संपर्क गर्मी में पेयजल संकट को देखते हुए रांची जिला प्रशासन गंभीर हो गया है बता दें उपायुक्त छवि रंजन ने गर्मी के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक की इस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि चापाकल के माइनर रिपेयरिंग के लिए राशि स्वीकृति हो चुकी है टेंडर की प्रक्रिया जारी है कंट्रोल रूम के नंबरों पर संपर्क कर पेयजल की समस्या का समाधान किया जा सकता है बता दें बासठ जीरो एक पैंतालीस बासठ तिहत्तर कंट्रोल रूम नंबर है कक्षा एक से सात तक के विद्यालय अप्रैल में खुलने की संभावना कम राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से सात तक के लगभग तीस लाख बच्चों को इस बस भी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी है बता दें होली के बाद स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया जाएगा राज्य में फिलहाल कक्षा आठ से बारहवीं तक का कक्षा संचालन हो रहा है बता दें कोविड नाइन्टीन के बढ़ते मामले को देखते हुए अब कक्षा सात तक के लिए विद्यालय अप्रैल से खुलने की संभावना कम है तीस मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द झारखंड पुलिस में तीस मार्च तक तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है बता दें होली व सब ए बरात को लेकर पुलिस वाले अब तीस मार्च तक छुट्टियां नहीं ले सकेंगे पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिले के एसपी इकाई प्रमुखों को जारी कर दिया है आदेश दिया गया है कि त्यौहार पर कोविड नाइन्टीन के गाइडलाइन का पालन कराएँ विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो इस पर नज़र रखें कोरोना केस बढ़ते ही अस्पतालों में बढ़ाए जाने लगे बेड राज्य सरकार राज्य में कोरोना के एक बार फिर लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगे की आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है बता दें इसके तहत सभी जिलों को बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य सचिव के के सोन ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर आने वाले दिनों में मरीजों का आकलन करते हुए बेड की संख्या बढ़ाने को कहा है उन्होंने इसकी समीक्षा करने को कहा है कि उनके जिले में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है या नहीं यदि उपलब्ध नहीं है तो निजी अस्पतालों से सहयोग लेकर बेड की संख्या बढ़ाने को कहा है इग्नू के अलग अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला सताईस से राजधानी रांची के मारवाड़ी कॉलेज में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के अध्ययन केंद्र में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया सताईस मार्च को प्रारंभ की जा रही है बता दे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा विद्यार्थी सुबह ग्यारह बजे से शाम तीन बजे तक दाखिला ले सकते हैं रांची में जेवर कारोबारी से 20 लाख की सोना की लूट रांची के अरगोड़ा इलाके में अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे एक बड़ी लूट को अंजाम दिया है बता दें कोलकाता से सोना लेकर लौट रहे एक जेवर कारोबारी से आधा किलो सोना के जेवरात लूट लिए गए सोना की कीमत करीब बीस लाख रुपए बताई जा रही है जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा हमेशा की तरह कोलकाता से जेवर लेकर रांची पहुंचे थे स्कूटी से हरमू विद्यापति नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे इस बीच तीन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हरमू बाईपास रोड के हरमू बिजली ऑफिस के सामने बीच सड़क पर हथियार के बल से सोना लूट लिया लोहरदगा में गैस रिसाव के बाद महिला की मौत झारखंड के लोहरदगा में एलपीजी गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट से महिला की मौत हो गई बता दें पति और बच्ची गंभीर रूप से घायल हैं विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दो मंजिला मकान में करीब पंद्रह से ज्यादा खिड़की दरवाजे हिल गए कई दीवारें फट गई बता दें आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए लोग अपने तरह की पहली घटना देखकर अवाक हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को गुमला जाएंगी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के 31 मार्च को गुमला जिले के संभावित दौरे के मद्देनज़र उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा उप विकास आयुक्त संजय बिहारी ने शुक्रवार को रायडीह प्रखंड अंतर्गत टोली में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की बता दें इकतीस मार्च को राज्यपाल गुमला जिला के रायडी प्रखंड अंतर्गत टोली में सेवानिवृत्त सैनिक के लिए बने ओल्ड एज होम के उद्घाटन करेंगी चार माह में देवघर से साइबर अपराध के 326 आरोपी गिरफ्तार देवघर साइबर थाना पुलिस ने बीते चार माह में 326 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है बता दें इनके पास से पाँच मोबाइल फोन 826 सिम कार्ड दो एटीएम कार्ड 224 पासबुक 55 चेकबुक 13 लैपटॉप अड़तीस मोटरसाइकिल 17 चार पहिया वाहन तीन स्वाइप मशीन बरामद हुआ है भारत बंद का असर रांची में नहीं केंद्र सरकार के कृषि कानून के ख़िलाफ़ बुलाए गए भारत बंद का असर राजधानी रांची में नहीं रहा बता दें रांची जिला प्रशासन ने पुंदाग स्थित धारणा प्रदर्शन स्थल को छोड़कर पूरे शहर में सुबह छः से रात दस बजे तक निषेधाज्ञा लागू की है इसमें पाँच या उससे अधिक लोगों के साथ एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है विशेष परिस्थितियों में सख्त निर्णय लेगी सरकार बन्ना गुप्ता कोविड नाइन्टीन के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार सख्त निर्णय ले सकती है उन्होंने शुक्रवार को कहा कि स्थिति की समीक्षा की जा रही है विशेष परिस्थितियों में यदि जरूरत महसूस हुई तो सरकार कड़े निर्णय ले सकती है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी आवेदन में हुई त्रुटि में सुधार कर सकते हैं बता दें आयोग ने इसके लिए अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान किया है इसके लिए दो से पाँच अप्रैल तक आयोग का लिंक खुला रहेगा मुख्यमंत्री ने दस एएनएम को दी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय परिसर में दस ए के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का वितरण किया बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा यू के संयुक्त प्रयास से आज यह कार्य किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सी फंड के तहत हेल्थ वर्कर्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वितरण किया जाना एक सराहनीय कदम है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बल का आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू